नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में उद्योगपति आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने इसी मामले में दोनों को पकड़ा था। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इसी मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से फिलहाल जेल में है। सीबीआई के अनुसार हैदराबाद का रहने वाला बोयनपल्ली दक्षिण भारत के कुछ शराब व्यवसायियों के लिए कथित रूप से लॉबिंग कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को कहा कि वे वैश्विक विकास, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों के लिए बाली में G20 के सदस्य देशों के नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी बाली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि वे वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान निकालने में भारत की उपलब्धियों और अटूट प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेंगे। मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस दौरान उनके यूक्रेन संघर्ष के प्रभावों, खासकर खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्रों में इसका असर सहित वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने की संभावना है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने वाले मनी रैया और मनदीप सिंह तूफान को CIA 2 की पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। उनसे शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि अमेरिका में बैठे गैंगस्टर दमन जोत सिंह कालो के जरिए ही मनी रैया कनाडा बैठे गोल्डी ब्राड के संपर्क में आया था। दमन जोत ने ही गोल्डी के कहने पर मनी को काम करने के लिए कहा था। फिर मनी ने अपने साथ मनदीप तूफान को ले लिया। इसके बाद गोल्डी के कहने पर मनदीप और मनी ने हत्यारोपियों पर हथियार पहुंचाए थे। आरोपी 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर हैं। जांच में सामने आया कि दमनजोत सिंह और गैंगस्टर गोल्डी ब्राड काफी अच्छे दोस्त हैं। गोल्डी ब्राड ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए दमनजोत सिंह से बात की और गैंगस्टर उपलब्ध कराने के लिए कहा था। डेरा प्रेमी प्रदीप कत्लकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस कत्लकांड में सब इंस्पेक्टर के बेटे का नाम सामने आया है। SI के बेटे पर वारदात देने वाले शूटरों को हॉस्टल में पनाह देने के आरोप लगे हैं। बठिंडा में तैनात सब इंस्पेक्टर के बेटे पर आरोपियों को पटियाला में ठहराने का इंतजाम किया गया था। SI का बेटा शूटरों के संपर्क में था। फिलहाल सब इंस्पेक्टर के बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और उसे पूछताछ जारी है। बता दें कि सब इंस्पेक्टर का बेटा पटियाला के एक निजी कॉलेज में पढ़ता है। जिक्र योग्य है कि अब तक 6 शूटरों में से 3 को पटियाला के बख्शीवाला से गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से 2 पंजाब के हैं जिन्होंने रेकी की थी। सभी शूटर गोल्डी ब्राड के संपर्क में थे। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर विस्फोट मामले में नया मोड़ आ गया है। जांच टीम का कहना है कि ब्लास्ट करने वाले का मकसद चोरी नहीं था, धमाके को फ्यूज वायर के जरिए अंजाम दिया गया था। जांच अधिकारियों का मानना है कि तकरीबन 10 से 15 मीटर लंबी तार के जरिए फ्यूज जला होगा। जांच एजेंसियां टेरर एंगल और स्थानीय विवाद समेत 3 मुद्दों को ध्यान में रखते हुए छानबीन कर रही हैं। हालांकि अभी तक धमाका करने वाले आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले को जल्द ही NIA को सौंपा जा सकता है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि NIA को बुलाया गया है। वह देख रही है कि यह घटना कैसे हुई। FSL की टीम भी मौके पर पहुंची है। इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सोमवार सुबह करीब 3:45 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 दर्ज की गई है। वहीं भूकंप का केंद्र पाकिस्तान की तरफ से लाहौर का इलाका बताया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली NCR में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़दी कला फास्ट न्यूज।